इटावा पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 50 पेटी शराब एवं तस्करी उपयुक्त 2 कार बरामद की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये बताई जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर व पुलिस महानिदेशक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बसरेहर पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा की गई सराहनीय कार्य करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु SSP संजय कुमार वर्मा द्वारा 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। खबर हर पल के लिए अभिनंदन जैन की खबर। देखिए, कल देर रात जो है, मतलब आज जो रात बीती है, देर रात में एक मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे से 2 गाड़ियां शराब लेके आ रही हैं, जिसमें एक गाड़ी डस्टर है और एक गाड़ी अल्टो है। पुलिस बसरेहर की टीम ने इंटरसेप्ट करके, जो जब वो लोग टोल से बचने के लिए इधर से जा रहे थे और बसरेहर से चोबिया की तरफ, तो इंटरसेप्ट करके हमारी टीम ने लगभग 4:15 बजे सुबह आज की रात में जो है पकड़ा है। 3 लोग पकड़े गए हैं इसमें और 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, एक डस्टर और एक अल्टो, जिसमें 6 लाख की शराब है तथा 14 लाख की एक गाड़ी डस्टर है और एक गाड़ी 5 लाख की है। टोटल 25 लाख का सामान जो है शराब समेत बरामद हुआ है। और इसमें हमारी बसरेहर की टीम बेचन सरोज और उसकी टीम तथा CO सैफई वगैरह की टीम ने इतने अच्छे ढंग से प्रयास किया, इस पर यह हमारी बड़ी सफलता मिली है। इसमें निश्चित तौर से मनोज, सुमित और अरुण नाम के 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं तथा राजस्थान ब्रांड की शराब ये इसको लेके जा रहे थे जो है बिहार प्रांत में बेचने के लिए। आरा में ये बेचते हैं, जहाँ तक कि हमने एक आध नाम वहाँ का पता चल गया है मुझे, जहाँ पर ये बेचते हैं वो उसका भी पता चल गया है और जिस मालिक का है उसका भी नाम पता चल गया है। तथा इसमें हमारा एक हरियाणा पुलिस का कर्मी भी है जिसका नाम मनोज है, वो भी पकड़ा गया है। अम्बाला में जिसकी नियुक्ति है, वो कर्ज के नाम पर कह रहा था मेरे पास कर्ज है इसलिए इसको मैं इस तरह का धंधा शुरू किया था, और ये बिना ड्यूटी के, बिना छुट्टी के यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ों को लेके जा रहा था बिहार प्रांत बेचने के लिए। ये 3 लोग, जिसमें एक जो इसमें अरुण है वो भी ID पुलिस की लगाया था, हालांकि वो पुलिस वाला वाकई नहीं है, वो भी ID पुलिस की बनाए हुए था ये, लेकिन सही पुलिस वाला है दूसरा वाला जो मनोज बता रहा हूँ, और एक लड़का सुमित पकड़ा गया है। इस प्रकार 3 लोग पकड़े गए हैं तथा 25 लाख का शराब और गाड़ी समेत पकड़ा गया है। एक बड़ी सफलता बसरेहर पुलिस को मिली है, इसके लिए मैं इनको 10,000 रुपये का इनाम भी इससे पुरस्कृत कर रहा हूँ तथा टीम को बधाई देता हूँ।